18 वॉट फास्ट चार्जिंग टेस्ट। सो आज मैं यहाँ पर जो 18 वॉट के फास्ट चार्जर का एक चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ। वेल बेसिकली यहाँ पर जो पहले का अगर मैं स्मार्टफोन्स को तो हमें पहले आज से देख अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ तो हमें सब एक नॉर्मल सा चार्जर मिलता था जिससे हम नॉर्मली डिवाइसेस को चार्ज करते रहे, उनमें कोई फास्ट फॉरवर्ड वाला फीचर नहीं होता। जैसे कि जो 10 वॉट के हमें चार्जर्स पहले आते थे, राइट, आज से 3 साल पहले की बात करूँ, 3 साल पहले की बात करूँ तो। बट अभी आज से 1 साल पहले से यहाँ पर 18 वॉट के जो चार्जर है वो आना स्टार्ट हो चुका है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर ये जो चार्जर है ये 18 वॉट का चार्जर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो 9 वॉट और 2 एम्पीयर, यानी कि ये 18 वॉट का चार्जर। आप अगर आपको वॉट कैलकुलेट करना है, अगर आपको चार्जर का वॉट कैलकुलेट करना है तो वॉट इज इक्वल टू वॉट एंड उसके बाद एम्परेचर आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो वॉट इज इक्वल टू एंड एम्परेचर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप इजीली उसका आउटपुट आप चेक आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर इसका आउटपुट है 9 वॉट 2 एम्पीयर, राइट। सो यहाँ पर ये 18 वॉट का चार्जर है और ये जो चार्जर है इससे मैं अपने इस स्मार्टफोन को चार्ज करने वाला हूँ। ये जो स्मार्टफोन है ये टेक्नो का स्मार्टफोन है, एज यू कैन सी टेक्नो का स्मार्टफोन है ये टेक्नो स्पार्क पावर 2 है ये स्मार्टफोन। और इसकी जो बैटरी है वो भी मैं आपको एक बार चेक आउट करा लेता हूँ। सो एज यू कैन सी इसमें जो आपको बैटरी मिलता है 6000 mAh का बैटरी मिलता है। और अभी मैं इसी स्मार्टफोन को इस 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करूंगा और यहाँ पर मतलब ओवरऑल हम इसका स्पीड देखेंगे कि ये 18 वॉट के फास्ट चार्जर से ये जो 6000 mAh का जो स्मार्टफोन है ये कितने टाइम में चार्ज होता है। सो अभी जो टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 4 PM हो रहा है, राइट। एंड जो इसका चार्जिंग अगर आप देखेंगे तो अभी इसका जो चार्जिंग है लास्ट 2% लास्ट बचा है, राइट, इफ़ यू गाइस कैन सी दैट। सो अभी मैं इसको चार बजे चार्ज पे लगाऊंगा और इसको मैं 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करूंगा। सो ये भी एक तरीके से जो चार्जर ये टेक्नो का ही है जो मैंने टेक्नो के वेबसाइट से परचेस किया है स्पेशली फॉर दिस स्मार्टफोन, तो इससे मैं इसको चार्ज करूंगा। सो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पर कितना टाइम कंज्यूम करता है पूरा 0 to 100% डिवाइस को चार्ज करने के लिए, कितना टाइम यहाँ पर ये हमारा यूटिलाइज करता है। सो नाउ यहाँ पर मैंने उसको चार्जिंग पे प्लग किया है एंड दिस इज द स्मार्टफोन एज यू कैन सी। तो अभी मैं चार्जिंग स्टार्ट कर देता हूँ। सो नाउ चार्जिंग इज बिगन। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो पावर का साइन आपको दिख रहा होगा, तो इससे मतलब क्या है, ये करने का मेन मोटिव है कि जिससे कि अगर आपको भी 18 वॉट का चार्जर लेना है तो उसके स्पीड के बारे में अगर आपको अवेयरनेस नहीं है कि कितना स्पीड ये देगा मोबाइल को चार्ज करने के लिए, कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेगा, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अभी 4 बज रहा है तो अभी जस्ट आज से 1 घंटे के बाद फिर से चेक आउट करेंगे कि ये 1 आवर के डिफरेंस में ये कितना परसेंट चार्ज होता है 0 to फ्रॉम नाउ। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, इसको मैंने 4 बजे चार्जिंग पे लगाया था, नाउ इट्स 5 o'clock। तो अभी चेक इट आउट करते हैं 1 आवर के डिफरेंस में ये 0 to कितना परसेंट रीच्ड हुआ है। अब यहाँ पर इसका 6000 mAh बैटरी है तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट लेट सी हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट इंटायर चार्ज। सो अभी फिलहाल देखते कितना चार्ज हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पर अभी 5 बज चुका है एंड जो चार्जिंग हुआ है अभी इट्स 51%, यानी कि 1 आवर के डिफरेंस में इसने डिवाइस को 50% चार्ज किया है। सो सीरियस बात है बिकॉज जो इसका बैटरी है इससे 6000 mAh बैटरी, यानी कि अगर आप टेक्नो स्पार्क पावर 2 लेते हैं तो इसमें आपको ऑलमोस्ट जितना टैबलेट में जो बैटरी कैपेसिटी होता है 6-7000 वही स्मार्टफोन में है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 50% इट्स ओके है बिकॉज अगर 4000 mAh का स्मार्टफोन होता तो उसको अगर 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करते तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी जहाँ पे 51 हुआ है आई एम श्योर कि यहाँ पर अभी 80 तक कंप्लीट हो जाता ना, बिकॉज 18 वॉट का फास्ट चार्जर है तो 80% तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। बट अभी 6000 mAh बैटरी इसलिए भी
50% रीच हुआ है। अगर इसी में अगर हम इसको 18 वाट के बदले अगर आप 10 वाट के चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करते हैं, तो अब जहाँ पे अभी 50 हुआ है तो यहाँ पर ये सिर्फ 30 या 35% ही रीच्ड होता था, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। बट स्टिल ये अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी फिर से 1 आवर का डिफरेंस लेंगे, और अभी 5 बज रहा है, और अभी ठीक 1 आवर के बाद फिर से आएंगे 6 बजे, और देखेंगे कि 1 आवर के डिफरेंस में ये 52 से कितना परसेंटेज चार्ज होता है। सो लेट्स सी आफ्टर 1 आवर। सो नाउ दिस इज द टाइम टू चेक इट आउट लास्ट चार्जिंग। सो यहाँ पर मैंने टेक्नो स्पार्क पावर 2 को चार्ज करना स्टार्ट किया था 4 बजे एग्जैक्टली, और अभी यहाँ पे इसका चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं चेक इट आउट कर लेता हूँ कि कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो गया। सो यहाँ पर इसने कंज्यूम जो चार्जिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ 6:40 पे यहाँ पे चार्जिंग कंप्लीट हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट इसने 2 आवर 30 मिनट्स कंज्यूम कर लिया पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए। सो यार यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने 2.5 घंटा कंज्यूम कर लिया पूरा 0 to 100% डिवाइस को चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि 18 वॉट का चार्जर है तो इसने 2.5 घंटा कैसे कंज्यूम कर लिया, तो नॉर्मल चार्जर भी करता है, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी का भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है 18 वॉट का, इसने इसको चार्ज किया है, ये है टेक्नो स्पार्क पावर 2, और इसका बैटरी मैंने आपको पहले शो किया था कि 6000 mAh का इसका बैटरी है। तो ऑब्वियसली बात है 18 वॉट के चार्जर में इसने एक तरीके से कम ही टाइम लिया पूरा 6000 mAh के स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए। सो अगर मैं ये जो 6000 mAh का स्मार्टफोन है अगर इसको मैं नॉर्मल चार्जर से चार्ज करता, तो आई एम श्योर अबाउट दिस कि यहाँ पर इजिली 4 से 4.5 घंटा यहाँ पर कंज्यूम करता ही था ये पूरा 0 to 100% चार्ज होने के लिए, एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। तो यहाँ पर 18 वॉट का चार्जर ऑब्वियसली वर्क करता है। तो अभी यहाँ पर आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें एवरेज जो आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की बैटरी मिलती है, इजेंट इट। अभी 4000 के स्मार्टफोन को अगर मैं 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करता तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये 1 आवर 20 मिनट कंज्यूम करता रहा चार्जिंग होने के लिए, कि बहुत ही कम, राइट। बिकॉज अगर नॉर्मल चार्जर से अगर आप 4000 mAh के स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो यहाँ पर 2.5 घंटा कंज्यूम करता है, नॉर्मल चार्जर की बात करो, जो हम हमें जो पहले के स्मार्टफोन आते थे उनके चार्जर की बात करो। लेकिन अभी 18 वॉट के चार्जर आपको नियरली अभी स्मार्टफोन्स में आने लगे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है। तो यहाँ पर चार्जिंग का और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप 18 वॉट का चार्जर लेना चाहते हैं ये सोच के कि मेरा स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो ये आपको ये भी सोचना है कि जो आपका स्मार्टफोन है क्या वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं। अगर वो जो स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप 18 वॉट का चार्जर लेंगे फास्ट चार्जिंग के लिए तो यहाँ पे कुछ वर्थ इट नहीं है, चार्जिंग नॉर्मल स्पीड देगा। बिकॉज अगर आप फास्ट चार्जर अगर आप ले रहे हैं 18 वॉट का, तो आपका डिवाइस भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना चाहिए, तो ही वो आपके लिए यूज़फुल होगा। अदरवाइज़ फास्ट चार्जर स्मार्टफोन चार्जर लेके कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑली अगर आप 18 वॉट का चार्जर लेना चाहते हैं फास्ट चार्जर, तो मेक श्योर कि आपका डिवाइस भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप डिवाइस आपका सपोर्ट करता है कि नहीं ये अगर आप मोबाइल के स्पेक्स में जाके चेक इट आउट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा वेबसाइट पर जाके। सो ओवरऑली ये था 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग का एक चार्जिंग स्पीड। तो ओवरऑली यहाँ पर अगर आप 4000 mAh का अगर आपका स्मार्टफोन है उससे अगर आप 18 वॉट के चार्जर को चार्ज करेंगे यानी कि चार्जर से चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर आपका इजीली 1 आवर 20 मिनट कंज्यूम करेगा, जो कि एकदम बहुत ही कम टाइम है, राइट, फास्ट चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर आप 6000 mAh के स्मार्टफोन को अगर आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आपका इजीली 2.5 घंटा ये कंज्यूम करेगा। सो इट्स ओके, इट्स वर्थ इट, इट्स नॉर्मल। तो ये था एक 18 वॉट फास्ट चार्जर का एक टेस्ट। आई होप लाइक दिस इंफॉर्मेशन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स हैं, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको इस 18 वॉट के चार्जर को परचेस करना है तो आप इजीली फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पर आप 18 वॉट के फास्ट चार्जर को परचेस कर सकते हैं। बट अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग रहते हैं, तो बेटर है कि यहाँ पे जो मैंने परचेस किया था ये टेक्नो का परचेस किया था मैंने। तो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।